दोस्तों HDFC का मेरा पहला क्रेडिट कार्ड डिलीवर हो चुका है। चलिए जानते हैं इस क्रेडिट कार्ड की किट के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, आप कैसे इस कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हो और अपना पहला ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हो। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, आप भी होंगे, क्योंकि पहला क्रेडिट कार्ड एक्साइटमेंट अलग लेवल का होता है। तो यहाँ पर इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको शोकेस कर रहा है कि कौन सा कार्ड का वेरियंट है आपका। जैसे मेरा HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे मेरी कार्ड की कितनी लिमिट मिली है वो शोकेस कर रहा है। जैसे यहाँ पे मेरे को 1.5 लाख रुपए की लिमिट मिली है। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स आ जाती हैं कि आपको इस कार्ड पे क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं। तो जैसा मेरे को पता ही है कि 5% का कैशबैक है इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और 1% का कैशबैक है बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे। और माइलस्टोन रिवॉर्ड क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पर्क्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलता है हमारा कार्ड। यहाँ कार्ड पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कार्ड के ऊपर इन्होंने मेंशन की हुई है कि आपको ये क्रेडिट कार्ड 30 दिन के अंदर एक्टिवेट करना है। बिकॉज RBI का ये नया रेगुलेशन है कि अगर आप कार्ड 30 दिन के अंदर एक्टिवेट नहीं करेंगे तो आपको दोबारा से क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करके दोबारा से कार्ड लेना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं इस कार्ड को कैसे एक्टिवेट करना है। तो दो ऑप्शन है, या तो आप इस QR कोड को स्कैन करके ऐप पे जा सकते हैं या फिर आप प्ले स्टोर पे जाइए और यहाँ पे सर्च कीजिए HDFC माई कार्ड और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएगा HDFC बैंक मोबाइल बैंकिंग ऐप। आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको ये स्क्रीन यहाँ पे दिखाई देगी, आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पे ना आपको डायरेक्टली कहीं पे समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से आपको क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करना है, तो यहाँ पे आपको मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा माई कार्ड्स का। यहाँ पे एंटर करने के बाद आप अपने कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी क्रेडेंशियल्स डालिए, OTP आ जाएगा। इस पेज पे लॉगिन करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि आपका कौन सा वेरिएंट का कार्ड है। जैसे मेरा डाइनर्स का मिलेनिया है और आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको सेट पिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप सेट पिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपने नया पिन उसको दोबारा री एंटर करके फिर आपका जो क्रेडिट कार्ड की एक्सपायरी डेट होती है CVV डाल के एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ से आप अपना क्रेडिट कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कार्ड कंट्रोल करना चाहते हैं तो अपनी ट्रांजेक्शन्स लिमिट को चेंज करना चाहते हैं तो कार्ड कंट्रोल में आके आप वो सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आपको ATM विड्रॉल बंद करना है, ऑन करना है, ऑनलाइन स्पेंड्स की कितनी लिमिट रखनी है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, इवन फॉर द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स एज वेल। अब दूसरा तरीका है HDFC माई कार्ड की वेबसाइट के थ्रू, तो चलिए उसको जानते हैं। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ समझते हैं। तो सबसे पहले आपको माई कार्ड्स के पोर्टल पर आ जाना है और आपको यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है। आफ्टर दैट यू विल गेट एन OTP, लॉगिन कर लीजिए। अब लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप यहां पे एंटर करते हैं तो आप देख पा रहे हैं आपका कौन सा कार्ड है, उसका कौन सा वेरिएंट है, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो सबसे पहले आपको सेट पिन पे जाना है। यहां पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको सेट पिन पे जाके क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना नया पिन एंटर कर देना है ना, दो बार, जैसे जो भी आपको रखना है। और लास्ट में फिर यहाँ पर जो भी आपके कार्ड की एक्सपायरी डेट है वो एंटर करनी है, CVV जो है वो आपको एंटर करना है, टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ के कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, उसको एंटर करके आप इस तरीके से अपना क्रेडिट कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपने कार्ड को कंट्रोल करना चाहते हैं, ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं, तो आप वो सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। सो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड और भी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल बैंक साथी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं।